नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सियासी जंग का अखाड़ा बन चुका है और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर में माल्यार्पण की परमिशन न मिलने के बाद योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। घर के बाहर जुटे पुलिस अधिकारियों से अखिलेश ने साफ शब्दों में ये कह दिया है कि उन्हें जेपी की जयंती मनाने से कोई भी नहीं रोक सकता। अखिलेश की जिद और सपा कार्यकर्ताओं के बढ़ते हंगामे के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस बैकफुट पर आती नजर आई है और आखिर में अखिलेश यादव के घर के बाहर जेपी की प्रतिमा मंगवाई गई, जिस पर समाजवादी पार्टी के मुखिया ने बड़े नेताओं के साथ माल्यार्पण किया। और उत्तर प्रदेश की सियासत ये पहली बार है कि जब किसी महापुरुष की जयंती के मौके पर इतना बड़ा सियासी संग्राम छिड़ा हुआ। सवाल अब ये उठ रहा है कि अखिलेश यादव जेपी की सरकार से इतनी बड़ी टक्कर आखिर क्यों मोल लेते हुए नजर आ रहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी ने अपने इतिहास की सबसे बड़ी जीत को दर्ज किया है और समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की 80 में से 37 सीटों पर जीत मिली है। उसके सहयोगी कांग्रेस ने भी 6 सीटों पर जीत हासिल की है और लोकसभा के बाद से ही समाजवादी पार्टी काफी ज्यादा जोश में दिखाई दे रही। चुनाव के बाद ये पहली बार है कि जब समाजवादी पार्टी को सरकार से सीधे टकराने का एक बड़ा मौका मिला है और अखिलेश इसको भुनाने से बिल्कुल भी चूकना नहीं चाहते। अखिलेश सरकार से सीधे टकराने का संदेश साफ तौर पर जनता को देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर विपक्ष कमजोर स्थिति में बिल्कुल नहीं है। संपूर्ण क्रांति के अगुवा और लोक नायक के नाम से मशहूर जयप्रकाश नारायण मूल रूप से उत्तर प्रदेश के ही थे और जेपी की समाजवादी पार्टी विरासत में समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों अपना अपना दावा अब करती रहीं। अखिलेश यादव ने अपनी सरकार के अंदर लखनऊ में जेपी की याद में जेपी म्यूजियम बनवाया था और अखिलेश उसी म्यूजियम पर माल्यार्पण करना चाहते थे। पिछले साल भी समाजवादी पार्टी के मुखिया वहां पर गए थे, हालांकि तब उन्हें गेट फांदकर जेपी की प्रतिमा तक पहुंचना पड़ा था। अखिलेश की इस पूरी कवायद को लेकर जेपी की विरासत से अपना दावा पीछा न छोड़ने के रूप में भी एक बड़े पैमाने पर देखा जा रहा है और शुक्रवार को भी अखिलेश ने पत्रकारों से बात करते हुए ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग समाजवादी पार्टी आंदोलन और आज़ादी के आंदोलन से कोई भी लेना देना नहीं था। अखिलेश के इस दौरान नीतीश कुमार से भी एक अपील की है कि उन्होंने नीतीश जेपी आंदोलन की उपज हैं और नीतीश को भारतीय जनता पार्टी की इस हरकत के कारण केंद्र से समर्थन वापस लेने पर अपना विचार करना चाहिए। आपको सुनवाते हैं कि आखिर अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बातचीत में क्या कहा। इस मौके पे कहूंगा कि बहुत सारे लोग समाजवादी लोग सरकार में हैं जो सरकार को चलवा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जी भी हैं समय समय पर, जननायक जयप्रकाश जी, उनके बारे में वो उन्हीं के आंदोलन से वो निकले हैं। ये मौका मिला है उन्हें भी, ऐसी सरकार जो समाजवादियों को जयप्रकाश जयंती के दिन याद नहीं करने दे रही है, उस सरकार से समर्थन वापस ले लें, क्योंकि बिहार के नीतीश कुमार जी इसी आंदोलन से निकले हैं। नायक जयप्रकाश जी के साथ रह करके उनके आंदोलन को उन्होंने मजबूत बनाया है। समाजवादी चिंतक जयप्रकाश जी, समाजवादी विचारक, आजादी की लड़ाई में भूमिका निभाने वाले गांधी जी के साथ रह करके उस आंदोलन को और बढ़ाने वाले ऐसे लोगों को आज हम सम्मान से रोक रहे हैं। लेकिन हम समाजवादी लोग जिस तरीके से सम्मान देते रहे उसी तरीके से सम्मान करते रहेंगे, क्योंकि नवरात्र है, त्योहार है, इसकी आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। लोकसभा के बाद अब अखिलेश की नजर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 पर है और इससे पहले इसी के अंत में 10 सीटों के ऊपर उपचुनाव भी होने। अखिलेश लोक नायक की जयंती पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल अपने कार्यकर्ताओं में नए सिरे से जान फूंक रहे हैं और गुरुवार देर रात जब खबर ये निकलकर सामने आई कि जेपी एनआईसी के गेट को सील किया गया है और कार्यकर्ताओं के साथ अखिलेश यादव वहां पर पहुंच गए। शुक्रवार यानी कि आज सुबह अखिलेश के घर के बाहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटना शुरू हो गई और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे और कद्दावर नेता राम गोविंद चौधरी भीड़ के अगुवा थे। अखिलेश ने समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतार कर ये भी संदेश दिया है कि भारतीय जनता पार्टी से सिर्फ सपा ही मजबूती से लड़ सकती है और उत्तर प्रदेश के अंदर विपक्ष के रूप में सिर्फ समाजवादी पार्टी एक बड़ा
चेहरा है। फिलहाल के लिए इतना ही, छोटी बड़ी हर खबर आपको न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पे मिलेगी। बने रहे न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।